उसको 110 डेसीलीटर 100 ml दिया हुआ है और हम खाना खा लेते हैं और दो घंटे के बाद उसका जो पैरामीटर है 140 डेसीलीटर पर 100 ml उसको बताया, और इन दोनों का एवरेज अगर 3 महीने का देखें तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। सभी लोगों को मालूम है ये 5.8 के नीचे है तो उसको नॉन डायबिटिक एनीमिया बोला जाता है, उसके ऊपर है अगर उस 7 तक है तो उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है, और उसके ऊपर अगर एजिबिलिटी आता है तो उसको डायबिटीज करार दिया जाता है। एक सिंपल भाषा में जो सभी लोगों को मालूम है, मैंने बताया इसलिए नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी को मालूम है जो मैंने अभी बताया। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद पहली बार ये लोग सुनेंगे, या जहाँ भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे ये पहली बार सुनाया जाता है। तो एक विरोधाभास की बात करूँगा कि इन्होंने इसको डायबिटीज बोला है मेडिकल साइंस ने। साइंस और मेडिकल साइंस दोनों की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री की बात आती मैं भी इंडस्ट्री से हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं मेडिकल साइंस को उसको क्या बोलना चाहिए उसको मोल्ड कर दूँ। तो मैंने जो भारत में देखा है कई साल से, अभी मुझे 45 साल हो गए इस लाइन में, और मैंने देखा है कि टाइफाइड्स, मलेरिया, टीबी, ये सब ठीक हो जाती है। Am I right? बिल्कुल सर। फिर डायबिटीज की जहाँ बात आती है तो ये बोला जाता है कि भाई जिंदगी भर आपको टैबलेट लेना पड़ेगा, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ लाइफ जब उनकी जर्नी खत्म होती है तब भी वो डायबिटीज से ग्रसित होता है। बिल्कुल सर। है ना, बिल्कुल सही ना। तो ऐसा क्यों? तो चूंकि मैं रिसर्चर हूँ, शोध करता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पाया कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही टेस्ट होती है, शायद आपको भी मालूम होगी,